सादर जेंटलमैन, मैं सेठ सुदर्शन और अर्जुन मांझी का रोल प्ले कर रही हूँ। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री, गुंचीला उद्यान में प्रभु महावीर पधारे हैं। मैं आपकी आज्ञा लेकर उनके दर्शन और वंदन करने के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुमने सुना नहीं, अर्जुन मांझी प्रतिदिन 7-6 पुरुष और 1 स्त्री को मार रहा है, तुम वहां नहीं जाओगे? नहीं नहीं माता, मुझे प्रभु महावीर के साक्षात दर्शन करने हैं, मैं यहाँ से वंदननामा नहीं कर सकता, मुझे वहां जाना है। मैं तो आज्ञा नहीं देना चाहती, पर जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे ये अर्जुन मांझी तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अरे अरे वंदन हो अरिहंतों को, प्रभु महावीर को वंदन नमन। मैंने प्रभु महावीर से 12 व्रत पहले अंगीकार किए हैं, उन्हीं को मैं आज यावत जीवन के लिए ग्रहण करता हूँ। मैं चारों आहार पानी अष्टम पानम खायमम सायमम का त्याग करता हूँ। यदि मैं इस उपसर्ग से बच गया तो मुझे संथारा, वरना यावत जीवन के लिए मुझे संथारा। आहा, आ गया, इसको मारूंगा। अरे अरे ये क्यों, मेरा मुद्गर नहीं चल रहा है, मेरा मुद्गर नहीं चल रहा आज। हे देवानुप्रिय, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? हे देवानुप्रिय, मैं सुदर्शन नामक शावक हूँ और प्रभु महावीर के पास वंदन नमन करने के लिए जा रहा हूँ। हे देवानुप्रिय, क्या मैं भी आपके साथ प्रभु महावीर के वंदन नमन के लिए जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं चल सकते, चलो तुम भी चलो मेरे साथ प्रभु महावीर के वंदन और दर्शन कर लेना। जय श्री, मैं नेहा छाजे आप सभी को लक्ष्मी जी अग्रवाल की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। उनकी छोटी सी कहानी जो 32 साल के युवक ने उनको प्रपोज किया, किस तरह से उन्होंने उस पर रिएक्ट किया और किस तरह से उन पर एसिड अटैक हुआ। आइए मिलते हैं उनसे। हेलो, हाँ भैया, क्या आप उनसे प्यार करते हो? आप उनसे शादी करना चाहते हो? नहीं, आपकी कहाँ 32 साल की उम्र और मेरी 15 साल की उम्र। नहीं भैया, मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचती, आप भी ना सोचे मेरे लिए। उसने मुझे शादी के लिए मना किया, उसकी इतनी हिम्मत, उसको मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसके बहुत सपने हैं ना, उसके सारे सपनों को चूर कर दूंगा मैं। बाय बाय मम्मी, मैं जल्दी जाके आ रही हूँ। बाय बाय पापा। ये मुझ पर क्या डाला? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा शरीर जल रहा है, प्लास्टिक की तरह पिघल रहा है? चेहरे को क्यों चलाया, शरीर को ही चला देते। अरे अग्रवाल साहब, इसे इंजेक्शन लेके मार दो, लड़की चाहते शादी कैसे होगी? अरे ऐसे शब्द सुनने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। नहीं, मैं आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बनूंगी। कोई बात नहीं, मेरा चेहरा जला है, मेरा मन नहीं, मेरे सपने नहीं जले हैं। मैं सब लड़कियों को न्याय दिलाऊंगी। आई लव माई फेस।
देखा किस प्रकार लक्ष्मी जी ने आत्महत्या जैसे कायरता भरे कार्य को छोड़कर अपने माता पिता का साथ पाकर साहस के साथ लोगों को दिखा दिया कि उन्हें दिल और दिमाग से तेजाब जैसी गंदगी को निकाल फेंकना होगा। आज वो एनजीओ में समाज सेवा का कार्य कर रही है। उनके नाम पर छपाक जैसी उम्दा फिल्म का निर्माण हुआ है। कई जगहों पर उन्होंने बिना वजह तेजाब की बिक्री रुकवाई है। तो इसी के साथ जय जय। मैं प्रियंका बापना कन्या भ्रूण हत्या पर अपने विचार रखती हूँ। वाह, कितनी सुंदर है ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, सब कुछ कितना खूबसूरत है। खुश नसीब होते हैं वो जो इस धरती पर जन्म ले पाते हैं। काश मैं भी इस धरती पर जन्म ले पाती, बिना गलती मुझे ये सजा ना मिली होती। काश कुछ महीनों पहले। सुनो, आप मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट ले आए, क्या लिखा है उसमें? क्या खाक लिखा है? मैंने पहले ही कहा था मुझे बेटा चाहिए और बेटा ही। वह कुल का दीपक है, बुढ़ापे की लाठी है, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। ये बेटियां तो बोझ है बोझ, इन पर किया हुआ खर्च तो व्यर्थ ही है, वो तो होती ही पराया धन है। ये क्या कह रहे हैं आप? चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों हमारे ही तो वंश है। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ बेटा और बेटा ही चाहिए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती बेटा, पर मैं क्या करूं? मैं कितनी लाचार हूं, मैं क्या करूं? माँ, मुझे मत मारो माँ, मैं जीना चाहती हूँ। पापा की बाहों में झूलना चाहती हूँ, आपकी गोद में सोना चाहती हूँ। माँ, क्या कसूर है मेरा? क्या बेटी होना कोई गुनाह है? यदि बेटा ही सब कुछ है तो ईश्वर ने उसे जन्म देने के लिए माँ को क्यों बनाया? ये गंगा जो बह रही है, ये धरती जहाँ हम खड़े हैं, वो माँ पार्वती, वो काले, वो दुर्गा, ये सब भी तो औरत ही हैं। फिर उन्हें क्यों पूछते हो और मुझे जन्म से पहले ही मारते हो? यदि बेटा कुल का दीपक है तो बेटी भी ज्योति है, वह अपने संस्कारों से एक नहीं दोनों कुलों को रोशन करती है। आज बेटियां हर क्षेत्र में बेटों से कदम मिलाकर चल रही है। बेटियां आज किसी से कम नहीं है। जरा सोचो माँ, यदि रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना और चंदनवाला, अंजना, सीता जैसी सती के माता पिता भी यदि यही सोचते और जन्म से पहले ही उन्हें मार देते तो क्या वह ये इतिहास रच पाती? माँ, मुझे भी जीना है, मुझे भी खुद को साबित करना है। माँ, मैं जीना चाहती हूँ। अबला नहीं सबला हूँ मैं, अबला नहीं सबला हूँ मैं, ये दुनिया को दिखाने दे, मुझे गर्भ में मार ना माता, इस दुनिया में आने दे, इस दुनिया में आने दे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो, हाँ मल्लिका का? अरे बाबूजी के अकाउंट्स में मैंने पैसे डलवा दिए ना, कितनी बार बोलूंगा मैं आपको? क्या जरूरी काम? अरे मेरी अर्जेंट मीटिंग है, उससे जरूरी आपका क्या काम हो सकता है? बाबूजी कर लो सीधा हो गए। लेकिन मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। उनका क्रियाक्रम आप ही करा देना, मैं अकाउंट्स में पैसे डलवा देता हूँ, अभी डलवाता हूँ, एक मिनट। अरे इसमें तो पानी भी नहीं। राज को फोन। हेलो राज बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा है, उन्होंने बोला 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बेटा तुम आ जाओ, मैं अकेले कैसे 14 दिन क्वारंटाइन रहूँगा? क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हारी लाइफ का अचीवमेंट है, तो तुम नहीं आ सकते? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक है। आज जब मेरी ये हालत है तो बाबूजी की क्या हालत रही होगी गांव में? उन्होंने कितने फोन किए मुझे अपने पास आने के लिए, लेकिन मुझे अपना स्टेटस प्यारा था, मुझे शर्म आ रही थी उनको अपने पास रखने में। आज जब मेरी ये हालत है, मैं कितना निकम्मा बेटा हूँ, मैं आज बाबूजी के हर दर्द को समझ रहा हूँ। मैंने क्यों उनको अपने पास नहीं बुलाया, मैं तो उनके अंतिम क्रियाक्रम में भी नहीं गया। मैं कैसा बेटा हूँ, मैं कैसा बेटा हूँ, मैं कैसा बेटा हूँ?
डैड क्या हुआ डैड? अरे राज बेटा तुमने तो मुझे मना कर दिया था कि तुम नहीं आओगे। दादाजी को जो मैंने वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। मैंने एक बार आपकी और मुरली काका की बात सुन ली थी कि दादाजी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने स्टेटस पे आना था दादाजी के बजाय भी। सो मैंने वेकेशन ट्रिप के बारे में हर साल दादाजी के पास जाता था छुट्टियों में, और उनके अंतिम क्रियाक्रम में भी मैं दादाजी के पास था, लेकिन मैं जरूर उनके पास था, लेकिन उनकी आंखें आपको ढूंढ रही थी। डैड आप कैसे बोल सकते हो अपने पापा को डैड? और ये दादाजी ने आपको एनवेलप देने के लिए कहा था आखिरी समय में, जो आप पैसे उनके अकाउंट्स में डालते थे उन्होंने एक भी पैसा नहीं निकाला और बोला कि ये तेरे बाबूजी को दे देना मेरा आशीर्वाद समझकर, ये लीजिए डेढ़ 2 लाख रुपए। मैं कितना निकम्मा हूँ, मैं मेरे बाबूजी की एक भी भावना की कदर नहीं करी, और बाबूजी ने मरते वक्त मेरा भला चाहा और मेरा राज तुमसे वादा लिया मेरे पास आने के लिए, और मैंने उनको अपने पास कभी नहीं बुलाया। हम बच्चे कितने निकम्मे हो जाते हैं, हम हमारे स्टेटस के बीच रहकर हम हमारे माता पिता की फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाते। ये समझ में आता है कि हम उनके पास नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनको अपने पास बुलाकर रख तो सकते हैं ना। आज से मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आज के बाद हम अपने माता पिता को अकेला ना छोड़ें, अगर वहाँ जाने की व्यवस्था ना हो तो भी उनको अपने पास जरूर रखें, उनके बुढ़ापे का सहारा बनें।